Assalamualaikum students, hope you all are fine. Welcome to the online support program. This is Hafsa, your chemistry teacher from APS Thamyal. In this lecture we will discuss about chapter number 11 named as organic chemistry. In previous lecture we have already discussed about alkane and alkyl halide, classification of organic compounds, functional groups containing carbon, hydrogen and halogens named as haloalkanes. Topic under study are functional groups containing carbon, hydrogen and oxygen. These may be alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids and esters. Functional groups containing carbon, hydrogen and nitrogen named as amines, and functional groups containing double and triple bond. Let's discuss them in detail. Functional groups containing carbon, hydrogen and oxygen. There are six families under this category: alcohols, phenols, ether, aldehyde, ketones and esters. सबसे पहले हम एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप की स्टडी करेंगे जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी मौजूद हों. हमने कहा कि इसके अंडर सिक्स कैटेगरीज आती हैं. सो फर्स्ट कैटेगरी इज़ एल्कोहल्स. एल्कोहल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH अटैच टू अ हाइड्रोकार्बन चेन. OH, दिस इज OH इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप. और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल्स का. सो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन होती है, लेट सपोज CH3 है या इसमें CH3CH2 है और उसके एक एंड पे OH अटैच होता है, दैट इज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. सो अगर हम इसको नेम करें तो दिस इज़, क्योंकि ये वन कार्बन है तो वन कार्बन की वजह से हम अगर वन कार्बन हो तो हम कहते हैं कि दिस इज़ मीथेन. सो मीथेन का METH और AN मीन्स कि मीथेन का ई ड्रॉप कर दें और अल्कोहल्स का OL इसके आगे लगा देते हैं. सो दिस इज़ मीथानोल या मिथाइल अल्कोहल भी इसको कहते हैं. यहाँ पे देखिए वन एंड टू कार्बन्स हैं. सो टू कार्बन्स का मतलब हुआ इथेन. इथेन का ई ड्रॉप कर दिया और उसके आगे OL लगा दिया, OL फ्रॉम अल्कोहल्स. सो दिस इज़ इथानोल या इथाइल अल्कोहल. सो ROH इज़ द जनरल फार्मूला फॉर अल्कोहल्स. विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ अल्कोहल. ठीक है, यहाँ पे देखें 1, 2, 3 कार्बन है और एंड पे OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है. सो दिस इज़ प्रोपानोल. और वन इसलिए लगाया गया है कि कार्बन नंबर वन के साथ OH अटैच्ड है. सिमिलरली नेक्स्ट देखें 1, 2, 3, 4 कार्बन्स हैं और लास्ट पे OH अटैच्ड है. सो जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है उस कार्बन को हम वन नंबर देते हैं. सो दिस इज़, क्योंकि फोर कार्बन्स हैं तो ब्यूटेन का ई ड्रॉप कर दिया एंड से, सो OL, दिस इज़ वन ब्यूटानोल. ओके, नेक्स्ट वन इज़ फिनोल्स. When an OH group is attached to a benzene ring, the compound is called a phenol. अब alcohol में और phenol में क्या difference है? Alcohol जब किसी भी hydrocarbon chain के साथ हम hydroxyl group attach करते हैं तो उसको हम alcohols कहते हैं. लेकिन जब हम किसी benzene ring के साथ, again I'm repeating, whenever we attached OH group to a benzene ring, then it is called phenols. Benzene ring क्या होता है? This is called बेंजीन रिंग, जिसमें अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होती हैं, सिक्स कार्बन कंपाउंड होता है. इसके एक कॉर्नर पे जब हम OH अटैच कर देते हैं सो दिस इज़ कॉल्ड फिनोल. हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C6H5OH. मीन्स जो बेंजीन होता है उसका फार्मूला C6H6 होता है. सो जो H6 है उसका एक हाइड्रोजन ड्रॉप किया, सो C6H5 और वहाँ पर OH को रिप्लेस कर दिया. फिनोल वॉज द फर्स्ट एंटीसेप्टिक यूज्ड इन एन ऑपरेशन थिएटर्स. ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर यूज़ किया जाने वाला सबसे पहला एंटीसेप्टिक था. एंटीसेप्टिक क्या होता है? एंटीसेप्टिक वो होता है जो कि डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, रोकता है, स्टॉप करता है. ओके, थर्ड वन इज ईथर्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैव टू अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू द सेम ऑक्सीजन एटम आर कॉल्ड ईथर्स. अब एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ पे सेंटर में एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे सेंटर पे एक ऑक्सीजन है और उसके साथ में दो कार्बन चेन्स अटैच हैं, यहाँ पे भी एक कार्बन चेन और यहाँ पे भी कोई कार्बन चेन,
या अल्काइल ग्रुप आप उसको कह सकते हैं, या हाइड्रोकार्बन चेन कह सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखें, सेंटर में एक ऑक्सीजन है, इस तरफ भी एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, इस तरफ भी एक अल्काइल ग्रुप अटैच है। सो दिस इज कॉल्ड ईथर। सो COC, दिस इज कॉल्ड ईथर लिंकेज। COC यानी सेंटर में ऑक्सीजन और साइड्स पे दो कार्बन, COC इज कॉल्ड ईथर लिंकेज। अगर इनकी नेमिंग की जाए तो यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है। सो हम इसको नेम करेंगे डाई मिथाइल। डाई का मतलब होता है टू। डाई मिथाइल एंड ईथर। COC रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक ईथर है और दो मिथाइल लगे हुए हैं, सो हम इसको कहेंगे डाई मिथाइल ईथर। सिमिलरली सेकेंड वन में अगर देखें तो एक साइड पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, दूसरी साइड पे इथाइल ग्रुप यानी दो कार्बन वाला है, तो उसको हम इथाइल, इथेन से इथाइल ग्रुप कहेंगे। और हम पहले लिखेंगे इथाइल और फिर लिखेंगे मिथाइल। क्यों? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम देखते हैं, ई पहले आता है, एम बाद में आता है। अगर आप अल्फ़ाबेट्स को देखें, ABC को अगर आप देखें, तो उसमें ई पहले आता है और एम बाद में आता है। सो हम पहले लिखेंगे इथाइल, देन मिथाइल एंड ईथर। सो दिस इज इथाइल मिथाइल ईथर। थर्ड वन इज अनदर ईथर, जिसके अंदर दोनों साइड्स पे इथाइल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, एक साइड पे भी, राइट पे भी और लेफ्ट पे भी, दोनों साइड पे इथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। सो दिस इज कॉल्ड डाई इथाइल ईथर। डाई मीन्स टू, इथाइल मीन्स दो इथाइल ग्रुप एंड ईथर। द जनरल फॉर्मूला फॉर द ईथर इज ROR, क्योंकि ये भी एक अल्काइल ग्रुप है और ऑक्सीजन के दूसरे साइड पे भी कोई अल्काइल ग्रुप है। सो हम R और दूसरी साइड पे R प्राइम यूज़ कर लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो दोनों R हैं सेम भी हो सकते हैं, जिस तरह इस फर्स्ट वाले और थर्ड वाले केस में है, और डिफरेंट भी हो सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे सेकेंड वाले केस में है, एक साइड पे इथाइल है और एक साइड पे मिथाइल है। सो दीज मे बी सेम और डिफरेंट। नेक्स्ट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इन दोनों को हम एक साथ स्टडी करते हैं। इन दोनों को एक साथ स्टडी करने की क्या रीज़न है? सबसे पहले तो अगर हम देखें तो इनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, दैट इज C डबल बॉन्ड O। ये देख सकते हैं आप C डबल बॉन्ड O, इसको हम CO भी लिख सकते हैं। इसको दोनों तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, C डबल बॉन्ड O यानी अगर हम प्रॉपरली बॉन्ड्स शो करें, या फिर इसको अगर खाली CO भी लिखते हैं तो अंडरस्टूड सी बात है कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में दो डबल बॉन्ड हैं और एक एक कार्बन के साइड पे है। सो फोर बॉन्ड्स इसके कंप्लीट हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब हम एल्डिहाइड देखते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ तो हो गया। अब जो सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बन के दोनों साइड पे एक एक बॉन्ड है, एक साइड पे इसके हमेशा हाइड्रोजन अटैच होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसके एक एंड पे हमेशा हाइड्रोजन होगा, ये आपने याद रखना है। सी डबल बॉन्ड ओ और एक साइड पे अगर हाइड्रोजन है तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये एल्डिहाइड है। अब इसके दूसरे साइड पर हाइड्रोजन भी हो सकता है, दिस इज़ द सिंपलेस्ट या फर्स्ट कंपाउंड ऑफ दिस फैमिली। हाइड्रोजन भी हो सकता है और अल्काइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, कुछ भी हाइड्रोकार्बन चेन हो सकती है। अभी हम कीटोन की तरफ जाते हैं। कीटोन में क्या डिफरेंस है? कीटोन में भी सी डबल बॉन्ड ओ ही होता है फंक्शनल ग्रुप, जिसको इसको हम कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। कार्बोनिल, CARBONYL, कार्बोनिल। कार्बोनिल के एक एंड पे हमेशा CH3 होता है। CH3 नहीं होता, कार्बन होता है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, अब ये CH3 भी हो सकता है या कार्बन के डिफरेंट नंबर्स भी हो सकते हैं, मतलब एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन भी हो सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि इसके एक एंड पे हाइड्रोजन नहीं होता, इसके दोनों एंड्स पे कार्बन ही होते हैं, लाइक इस साइड पे भी कार्बन और इस साइड पे भी कार्बन। अब डिपेंड करता है कि वो एक एक कार्बन है या दो कार्बन है, तीन कार्बन है, जितने भी हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंपाउंड। एंड एल्डिहाइड हैज़ एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम और टू हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू द कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल कार्बन एटम। अ कीटोन हैज़ टू हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स बॉन्डेड टू द कार्बन, कार्बोनिल कार्बन एटम्स। ठीक है, जो कार्बोनिल कार्बन एटम है ना, जिसके साथ आगे डबल बॉन्ड ओ है, उसके साथ एल्डिहाइड में एक एंड पे हाइड्रोजन होना चाहिए और या दोनों एंड पे हाइड्रोजन होना चाहिए, और जो कीटोन्स होते हैं उसके दोनों एंड्स पे कार्बन मौजूद होने चाहिए। अच्छा, अगर हम इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखें तो इसको कंडेंस्ड फॉर्म में हमेशा CHO लिखा जाता है। COH नहीं लिखना आपने, CHO लिखा जाता है। जहाँ पे भी CHO आ जाएगा तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि दैट इज़
एल्डिहाइड CHO. अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो C डबल बॉन्ड O एक साइड पे H है उसको हम कंडेंस्ड फॉर्म में CHO की फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर इनकी नेमिंग की तरफ देखा जाए तो अगर एल्डिहाइड का फर्स्ट कंपाउंड आप देखें तो C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड पे हाइड्रोजन है और इसमें एक कार्बन है तो एक कार्बन मीथेन. तो जो मीथेन है मीथेन का E ड्रॉप करेंगे और एल्डिहाइड का AL, एल्डिहाइड का जो स्टार्टिंग में AL है उसको मीथेन के एंड पे लगा देंगे. जब हमने मीथेन का E ड्रॉप किया तो E ड्रॉप करके उसके एंड पे AL लगा दिया. सो दिस इज़ मीथेनल. और अगर इसका कॉमन नेम देखा जाए तो दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड. सेकंड वन इज़ CH3 C डबल बॉन्ड OH 1 and 2. इसके अंदर दो कार्बन हैं. सो दो कार्बन इथेन, इथेन का E ड्रॉप किया और एल्डिहाइड का AL एंड पे लगा दिया. सो दिस इज़ इथेनल. और अगर इसका कॉमन नेम देखा जाए तो इसका कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड होता है. इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटल्डिहाइड. सो द जनरल फार्मूला फॉर कीटोन इज़ RC डबल बॉन्ड OR प्राइम. इसका मतलब ये हुआ कि C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप है और दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं. अब ये जो R और R प्राइम है दीज मे बी सेम और डिफरेंट. नेक्स्ट इज कीटोन. अगर अब हम कीटोन की नेमिंग को देखें तो फर्स्ट वाला मेंबर अगर हम देखते हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 मींस इसके दोनों साइड पे कार्बन है. ये इसका सिंपलेस्ट फर्स्ट सिंपलेस्ट कंपाउंड है. सो 1 2 3 तीन कार्बन. तो तीन कार्बन का मतलब हुआ कि दिस इज़ प्रोपेन. प्रोपेन का ई ड्रॉप कर दिया क्योंकि ये कीटोन है. तो कीटोन का ONE, जो कीटोन के एंड पे ONE आ रहा है उसको प्रोपन के एंड पे लगा दिया. सो दिस इज़ प्रोपनोन. और जो इसका कॉमन नेम है दैट इज़ एसीटोन. इसको कॉमनली एसीटोन के नाम से जाना जाता है. सो इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं CH3CO CH3. देन सेकेंड मेंबर इज़ CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3. 1 2 3 4 फोर कार्बन्स हैं इसके. सो ब्यूटेन, ब्यूटेन का ई ड्रॉप किया और वहाँ पे ONE, कीटोन का ONE अटैच कर दिया. सो दिस इज़ ब्यूटानोन. और अगर हम इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखें तो CH3CO CH2 CH3. मीन्स हमने उसमें क्या करना होता है कि कार्बन का ऑक्सीजन का सीक्वेंस चेंज नहीं करना होता, उसे सीक्वेंस से लिखना होता है. सो नेक्स्ट फैमिली इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. दो तरह के एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स. सो डेफिनेटली वी आर स्टडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो एसिड्स डिस्कस करेंगे वो होंगे ऑर्गेनिक एसिड. सो जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उनको दूसरे वर्ड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी कहा जाता है. जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनका दूसरा नेम कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी होता है. द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप. अब जो इनका फंक्शनल ग्रुप होता है उसको कार्बोक्सिल ग्रुप कहा जाता है. CARBOXYL कार्बोक्सिल ग्रुप. कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड O एंड OH. इसको हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं. इसको कंडेंस्ड फॉर्म में हम C डबल OH भी लिख सकते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अ कार्बोनिल ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप? सो डिफरेंस क्या है? कार्बोनिल इज़ ओनली C डबल बॉन्ड O. दिस इज़ कार्बोनिल. और अगर C डबल बॉन्ड O के साथ एक साइड पे हम OH अटैच कर दें तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप हो जाता है. एग्जांपल्स अगर इनकी देखी जाएँ तो सबसे पहला जो मेंबर है C डबल बॉन्ड O OH तो मौजूद है, जो इसका फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिल ग्रुप. और एक साइड पे हम हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं. ये इस फैमिली का फर्स्ट मेंबर होता है, सिंपलेस्ट मेंबर होता है, वन कार्बन मेंबर होता है. सो वन कार्बन की वजह से मीथेन हो गया. मीथेन का ई ड्रॉप किया एंड से, और जो भी ये एसिड्स होते हैं इनके एंड पे OIC लगाते हैं. OIC जिस तरह से मीथेन का ई ड्रॉप करके आगे OIC लगा दिया. सो दिस इज़ मीथेनोइक एसिड. इसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड होता है. ये यूजली दिस इज़ वेरी फेमस एसिड जो कि चूंटियों के अंदर पाया जाता है. ठीक है. सो अगर हम इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखें तो स्टार्टिंग में H देन C डबल OH. सो हमने इसका क्या नेम रखा? मिथेनोइक एसिड. और इसका कॉमन नेम है फार्मिक एसिड. देन सेकंड वन इज़ द सेकंड मेंबर, टू कार्बन मेंबर. C डबल बॉन्ड O OH तो मौजूद है जो कि इसका फंक्शनल ग्रुप है. साथ में CH3 आ गया,
यानी अब दो कार्बन है तो इथेन, इथेन का ई ड्रॉप किया और आगे ओ आई सी लगा दिया, ओ आई सी, सो दिस इज इथेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH। ये बहुत कॉमनली यूज होने वाला एसिड है जिसे हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं, जिसे हम आम जुबान में सिरका या विनेगर भी कहते हैं, दिस इज़ एसिटिक एसिड। द जनरल फॉर्मूला फॉर कार्बोक्सैलिक एसिड्स इज RC(OH)। COOH कार्बोक्सैलिक ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, और एक साइड पे आर चेन हो सकती है, ठीक है, जो कि सिंपल हाइड्रोजन भी हो सकता है और इसके अलावा कार्बन 1, 2, 3, 4 सो ऑन। ओके, द लास्ट फैमिली ऑफ दिस इज कंपाउंड्स हैविंग जनरल फार्मूला RC(OR) आर कॉल्ड एस्टर्स। इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, C(OO) एंड देन R और स्टार्टिंग में भी R। R एंड R प्राइम आर अल्काइल ग्रुप्स विच में भी सेम आर डिफरेंट, पहले की तरह जो R और R प्राइम है ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपको ये बताना ज़रूरी है कि जो एस्टर्स होते हैं दीज आर बेसिकली esters are basically mixture of carboxylic acids and alcohols. These are basically mixture of carboxylic acids and alcohols. जिस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम इस वाले मेंबर को देखें तो इसमें CH3C(O) एंड O, O तक अगर मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ तो CH3C(O) एंड O, O के आगे से हाइड्रोजन को रिमूव करके वहाँ पे CH3 को प्लेस कर दिया गया है। सो ये फर्स्ट पार्ट जो है ये कार्बोक्सैलिक एसिड है। सेकंड पार्ट अगर इसका देखा जाए तो दिस इज़ CH3 CH3 और इसके पीछे O लगा हुआ है, सो CH3 और अगर हम O के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर दें तो CH3OH। सो क्या हो गया कि जो इस्टर्स होते हैं दीज आर बेसिकली मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सैलिक एसिड्स प्लस अल्कोहल्स, यानी अल्कोहल का हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाता है और कार्बोक्सैलिक एसिड का हाइड्रोजन रिमूव कर दें और इन दोनों को आपस में अटैच कर दें। तो अब हम इनकी नेमिंग किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। हम सबसे पहले इस फर्स्ट वाले ग्रुप को देखते हैं, फर्स्ट वाले ग्रुप में हम देखेंगे CH3C(O) एंड O, सो दिस इज इथेनोइक एसिड। ये क्या है, ये वाला जो ग्रुप है इसको हमने, हम लेट सपोज कि ये कार्बोक्सैलिक एसिड का ग्रुप है तो हमने इसको नेम दिया इथेनोइक एसिड। अब जो इथेनोइक एसिड है उसका आई सी रिमूव कर देंगे और उसके आगे ए टी ई लगा देंगे, इथेनोइक एसिड का एसिड और आई सी रिमूव करके वहाँ पे ए टी ई लगा देंगे। और अगर एंड पे देखा जाए तो अल्कोहल एंड पे CH3 और O, इसका मतलब है ये मिथानोल है, तो हम क्या करेंगे कि हम जो CH3 है उसको हम मिथाइल का नेम दे देंगे। सो हम क्या करेंगे, मिथाइल इथेनोएट, दोनों को इकट्ठा करके हम क्या करेंगे, दिस इज़ मिथाइल इथेनोएट। मैं सेकेंड एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ। सिमिलरली यहाँ देखें CH3C(O) एंड O, दिस इज़ कार्बोक्सैलिक एसिड, ठीक है, इसमें दो कार्बन है तो इट्स मींस कि दिस इज़ इथेनोइक एसिड। तो जो इथेनोइक एसिड है उसका आई सी रिमूव कर देते हैं और उसके आगे ए टी ई लगा देते हैं, आई सी एसिड को रिमूव कर दिया और वहाँ पे ए टी ई लगा दिया, सो दिस इज़ इथेनोएट, इथेनोएट हो गया। अब एंड पे क्या बच गया, CH2CH3, तो CH2CH3 क्या कहते हैं, इसका क्या कॉमन नेम होता है, इथाइल, ये क्या है, इथाइल ग्रुप है, सो दिस इज़ इथाइल इथेनोएट, ठीक है, मिथाइल इथेनोएट एंड इथाइल इथेनोएट। इसके अलावा अगर इनके कॉमन नेम देखे जाएं तो मिथाइल एसीटेट भी हो सकते हैं और इथाइल एसीटेट भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमीन इज़ NH2। जो अमीन्स होते हैं अमाइनो ग्रुप से निकला है, आपने अमोनिया गैस पढ़ी है ना NH3, सो जो NH2 ग्रुप होता है उसको हम अमीन कहते हैं। सो ऐसे जिनके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और साथ में नाइट्रोजन भी अटैच्ड है तो उसको हम अमीन्स कहते हैं। तो जिस तरह पहला मेंबर जो है CH3
और उसके साथ आगे NH2 यानी अमीन्स अटैच हैं, तो दिस इज कॉल्ड मिथाइल अमीन। यहाँ पे देखिए सेकंड वन में अमीन ग्रुप लगा हुआ है और CH3CH2 दिस इज़ इथाइल अमीन। फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। अब क्या है कि कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है। अब ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है ये किसी भी फैमिली के अंदर मौजूद हो सकता है। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स देख रहे हैं या किसी भी फैमिली के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट सीक आइडियाज़ फॉर न्यू ड्रग्स नॉट ओनली ऑन प्लांट्स बट ऑल्सो इन एनी पार्ट ऑफ एनिमल। इन सिंपल वर्ड यू कैन से कि जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आजकल ड्रग्स बना रहे हैं। ड्रग्स क्या होती हैं, बेसिकली मेडिसिन को ड्रग्स कहा जाता है। जो मेडिसिन हैं वो ना सिर्फ प्लांट्स से एक्सट्रैक्ट की जा रही हैं बल्कि एनिमल से भी, उनके भी डिफरेंट पार्ट्स से ड्रग्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर की जा रही हैं। अब उसमें जो फार्मास्यूटिक्स हैं वो करते क्या हैं कि वो प्लांट्स के अंदर से या एनिमल के अंदर से कोल्ड मैसिरेशन के थ्रू या फिर मिथेनोलिक या इथेनोलिक एक्सट्रैक्शन के थ्रू। कोल्ड मैसिरेशन होती है, लेट सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेप्स। सो जो ग्रेप का जो बाहर कवरिंग होती है जिसको छिलका कहते हैं, वो उसको ठंड के अंदर जब बहुत टाइम के लिए रेफ्रिजरेटर के अंदर उसको फ्रीज करना एक लंबे अरसे के लिए और उसके बाद उसका जूस एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कोल्ड मैसिरेशन। एंड मिथेनोलिक या इथेनोलिक एक्सट्रैक्शन का मतलब यह है कि मिथेनॉल या एथेनॉल यूज़ करके प्लांट्स के अंदर से एक्सट्रैक्ट निकालना। दे टेस्ट ड्रग ऑन एनिमल्स एंड सबसे पहले वो निकालते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन उसके बाद किसी भी मेडिसिन को इंसानों के ऊपर अप्लाई करने से पहले एनिमल्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है। आफ्टर सक्सेसफुल टेस्ट फार्मास्यूटिक्स डेवलप ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर न्यू इफेक्टिव ड्रग इन लेबॉरेटरी। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम सारी चीज़ें नेचुरल वे में निकालते रहें, यानी अगर हम पौधों में से या लेट सपोज कोई ऐसी ड्रग है जो किसी प्लांट से हम हासिल कर रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल है कि हम एक कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी हम पौधों में से ही उसको एक्सट्रैक्ट करते रहें, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि उसका एक अल्टरनेटिव हम यूज़ करते हैं, अल्टरनेटिव वे यूज़ करते हैं। अल्टरनेटिव वे में हम क्या करते हैं कि हम लेबॉरेटरी के अंदर उसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, यानी लेबॉरेटरी के अंदर उसको खुद सिंथेसाइज़ करने की कोशिश करते हैं। और ये बेसिकली कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं जो कि डिफरेंट ड्रग्स को डिज़ाइन करती हैं। अब कोई भी सिंथेसिस स्कीम डेवलप करने के लिए, किसी भी ड्रग को बनाने के लिए, उसमें दो इंपॉर्टेंट स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल होता है हम उसको एनालाइज करते हैं, यानी कि फर्स्ट करें हमने एक ड्रग बनानी है उसके अंदर उसका जो बेसिकली मॉलिक्यूल है हम उसका सारा स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, हम उसको एनालाइज करते हैं और उसके अंदर उसके लिए फिर हम कोई स्टार्टिंग मटेरियल, कोई सूटेबल किस मटेरियल से हम स्टार्ट करें तो हम अपनी डिज़ायर्ड ड्रग जो है वो अचीव कर सकते हैं। उसके लिए दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स होती हैं, चेंजेस इन द कार्बन स्केलेटन एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, कि हम जो स्टार्टिंग मटेरियल या जो स्टार्टिंग कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं उसके कार्बन स्केलेटन, उसके जो कार्बन स्केलेटन है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हमने करनी है और उसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप इंसर्ट करवाने हैं जो कि हमें हमारी डिज़ायर्ड ड्रग तक ले जाते हैं। सो क्या करते हैं हम लेबॉरेटरी के अंदर जो ओरिजिनल ड्रग का मॉलिक्यूल होता है और जो हम सिंथेसाइज करना चाह रहे होते हैं उसके लिए जो हमने स्टार्टिंग मॉलिक्यूल जो है वो चूज़ किया होता है, हम उन दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद जो कार्बन स्केलेटन होता है हम देखते हैं कि उसके अंदर हमें कौन कौन सी चेंजेस रिक्वायर हैं। सबसे पहले हम कार्बन स्केलेटन के अंदर चेंजेस जो रिक्वायर्ड होती हैं हम उनको अचीव करते हैं और वो अचीव करने के बाद हम क्या करते हैं कि उसके अंदर अपनी मर्ज़ी से अगर दो या तीन फंक्शनल ग्रुप्स रिक्वायर्ड होते हैं तो हम वो उसके अंदर इंसर्ट करवाते हैं। ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, इसको प्रॉपरली पहले डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर को यूज़ करके और फिर ड्रग्स जो है वो सिंथेसाइज की जाती हैं, ड्रग्स यू कैन से मेडिसिन। ओके स्टूडेंट्स, योर रिटन वर्क इज सेल्फ असेसमेंट 11.7, 11.8 MCQs एट थिंक टैंक। This is all from my side. Thank you so much.